गुड मॉर्निंग वाला फिर तो मैम आज आप लोग को केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल पढ़ा रहा था और उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आप लोग को बताया था। आज जो टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू वह टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हेडलाइन दीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ताकि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बताया था, उसके शेप में, उसके साइज में क्या इफेक्ट पड़ रहा था, उसका मास क्या था, उसका डेंसिटी क्या था, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था। अब जब मेटल कहता है कि जब एलिमेंट अनदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, क्या न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शन में एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो उसके बारे में देखेंगे कि मेटल जब अनदर मेटल के साथ है या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे, बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो पहला है बाबू पहला प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन। अतः कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखिए बाबू मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, मेटल ऑक्साइड देता है। मेटल ऑक्साइड देता है और मेटल ऑक्साइड क्या होता है। तो देखिए बाबू पहला में याद रखिएगा मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। किस नेचर का होता है बाबू, बेसिक नेचर का होता है। और देखिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, अगर हम सोडियम को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, Na2O बनेगा। क्या बनेगा, Na2O बनेगा। तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। बैलेंस है बाबू, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन वन है, तो टू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो टू से मल्टीप्लाई कर दिए, बताइए तो फोर सोडियम, तो फोर से मल्टीप्लाई कर दिए तो बैलेंस हो गया। अब बताइए बाबू सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फिर पोटासियम लिख दो, ये सोडियम हो गया बाबू, ये तो ऑक्सीजन जा नहीं रहे हो, फ्रॉम एयर, कहां से बाबू, एयर से देता है। अब ध्यान दीजिए बाबू सेकंड एग्जांपल, अगर हम पोटासियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, जब पोटासियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है बाबू तो K2O बनता है, पोटासियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, पोटासियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब बताइए बैलेंस करिए, क्या ऑक्सीजन दो, दो से मल्टीप्लाई किए, फोर के हो गया बाबू, फोर के, ये क्या है, पोटासियम है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बाबू मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, अधिकांश जो मेटल होता है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट देख लिखिए, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर
इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, और तब वो वाटर में कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं, और कुछ जो वाटर होते हैं बाबू वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म अल्कली, फॉर्म अल्कली, अल्कली बनाता है बाबू, इसे बाबू Na2O, ध्यान दीजिए पहला में देखिए बाबू Na2O को जब वाटर के साथ ऐड किया जाता है तो क्या होता है, NaOH बनाता है, क्या बनाता है बाबू NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो साइड क्या होता है बाबू, बेस होता है, या अल्कली एन अल्कली भी कह सकते हो, अल्कली को ही क्या कहा गया बेस, ये क्या अल्कली है बाबू, क्या हो या सोडियम हाइड्रो, सोडियम ऑक्साइड कैसा है, ये सोडियम ऑक्साइड है बाबू, और सोडियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक होता है, क्या होता है, ये बेसिक ऑक्साइड होता है, K2O को पोटासियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ ऐड किया जाता है तो क्या देता है, KOH देता है, क्या देता है, KOH देता है, अरे होता क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बाबू, अल्कली होता है, क्या होता है, अल्कली होता है, और बैलेंस कर दीजिए 2KOH, क्या हो गया, बैलेंस हो गया बाबू, अब ध्यान दीजिए पोटासियम आयोडाइड, सॉरी पोटासियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड ये क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है, क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है, तो देखिए क्या बताते, ये बताया बाबू कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और कुछ मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और क्या बनाते हैं, अल्कली का फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, अल्कली फॉर्म करते हैं, तो KOH क्या हुआ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेस हुआ ना, तो क्या फॉर्म किया बाबू, बेस। अब देखिए कुछ जो मेटल होते हैं वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं करते हैं बाबू, तो देखिए थर्ड में लिखिए बाबू मैग्नीशियम डज नॉट बर्न इन एयर, तो बाबू मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन से बर्न नहीं करता, क्या करता है, या डज नॉट बर्न से जगह अच्छा रहेगा रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट इन एयर, क्या करता है ऑक्सीजन, देखो बाबू ऑक्सीजन डायरेक्टली एयर के साथ कंबाइन नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता एट रूम टेम्परेचर, एट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मैग्नीशियम क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो अगर एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता डायरेक्टली, ये इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ओनली ऑन हीटिंग,
देखिए जब हम हीट करते हैं तब जाकर मैग्नीशियम क्या करता है, कंबाइन करता है। ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस इंटेंस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। और जब हीट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस। इंटेंस का मतलब क्या होता है बाबू, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाता है, हीट प्रोवाइड किया जाता है, क्या प्रोवाइड किया जाता है, वो हीटिंग किया जाता है, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कभी क्या होता है, तो बैलेंस कर दीजिए 2Mg। उसी तरीके से बाबू जिंक होता है, जिंक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवेन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है बाबू, जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है। देखिए बाबू जिंक को डायरेक्टली नहीं, जिंक डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जब उसको स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करते हैं तब जाकर वो क्या किसमें फॉर्म होता है, जिंक ऑक्साइड में फॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिया जाता है और क्या बनता है, जेडेनो बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। थर्ड में बाबू देखिए इसी तरीके से आयरन है बाबू, आयरन भी डायरेक्ट एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता जब तक हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवेन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है बाबू, आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो देखिए बाबू Fe, आयरन का क्या होता है, Fe होता है ऑक्सीजन के साथ क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो क्या बनता है Fe3O4। और Fe3O4 को क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहता है, आयरन ऑक्साइड। बैलेंस है नहीं, Fe3 है 3 Fe, O4 है 2O2, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया बाबू। तो देखिए ये पहला क्या था, रिएक्शन फ्रॉम मेटल विथ ऑक्सीजन। अब सेकंड में क्या बाबू, अब रिएक्शन ऑफ मेटल किसके साथ, पहला तो रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ ना। चलिए बाबू चले बाबू Fe3O4, देखो बाबू Fe3O4 किसका मिक्सचर होता है, ध्यान दीजिए, आयरन ऑक्साइड जो है, पॉइंट देके लिख लीजिए, Fe3O4 इज ए मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड
एंड किसका बाबू फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? Fe2O3। किसका मिक्सचर होता है Fe3O4? फेरिक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड का क्या होता है? मिक्सचर होता है। और इसे कहा क्या जाता है? एंड इज नोन एज आयरन सेकेंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड। आयरन टू थर्ड ऑक्साइड कहा जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से कॉपर है बाबू, ध्यान दो, अगला पॉइंट भी लिख लो। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन बाबू या एयर। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन क्या होता है? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है बाबू? कॉपर ऑक्साइड। और खाली कॉपर ऑक्साइड नहीं फॉर्म होता, कॉपर टू ऑक्साइड फॉर्म होता है। कॉपर टू ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सॉरी, ध्यान रखिएगा बाबू, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सही है? कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन कैसे बाबू? ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। क्या? प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड। क्या? यानी देखिए, कॉपर को स्ट्रॉन्ग हीटिंग देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कॉपर को प्रोलॉन्ग हीटिंग का मतलब लॉन्ग टाइम तक हीट प्रोवाइड करते हैं। कॉपर को क्या करते हैं? जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो प्रोलॉन्ग हीटिंग यानी लॉन्ग टाइम तक हीट प्रोवाइड किया जाता है। हीट तो दिया ही जाता है बट लॉन्ग टाइम तक दिया जाता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग हीट दे दिए और कॉपर ऑक्साइड में फॉर्म हो गया, नहीं। ये क्या होता है? ये प्रोलॉन्ग हीटिंग होता है और क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है बाबू? कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर टू
एक किस कलर का होता है? वो ब्लैक कलर का होता है। ये जो कॉपर टू ऑक्साइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है। इसको बैलेंस कर दीजिए, दो कॉपर दो कॉपर, दो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो देखिए याद करना पड़ेगा, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं, या तो उनको प्रोलॉन्ग हीटिंग दिया जाता है या आइदर स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड किया जाता है, तब जाकर क्या करते हैं, बर्न करते हैं। अब आओ पॉइंट देख लिखे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है बाबू? वैसा ऑक्साइड या वैसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर को शो करता है। क्या करता है? दोज मेटल ऑक्साइड विच सो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, एज वेल एज बेसिक बिहेवियर क्या शो करता हो? एसिडिक के साथ साथ क्या करता हो? बेसिक बिहेवियर को भी क्या करता हो? शो करता हो। आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है बाबू। दो ही मेटल ऑक्साइड जो विच सो एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एसिडिक के तो शो करवे करते हैं लेकिन बेसिक बिहेवियर को भी क्या करते हैं? शो करते हैं। बी ए स्मॉल भी दे दीजिएगा, बेसिक बिहेवियर को भी शो करते हैं। क्या कहलाता है? एग्जाम्पल के तौर पर बाबू देखो, जिंक ऑक्साइड Al2O3 PbO लिडा डॉट 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 इटी कर दीजिए।